शांति। ज्ञान तलवार में युग का जौहर भरने वाले खुदा के पैगंबरों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। इस रूहानी ज्ञान का सार है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना। लेकिन खुद को आत्मा समझे कैसे, कैसे देह से ममत्व निकले हमारा, बाबा आज ये समझाते हैं ताकि हम यथार्थ पुरुषार्थ कर अपनी ऊंच मंजिल को प्राप्त कर सकें। 2500 साल से हम देहधारियों की तरफ आसक्त रहे हैं, अब इस एक अंतिम जन्म में हमें निराकार विदेही बाप का बनना है, बाप की नज़रों से निहाल होना है, दुआएं प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे ये सब जानने के लिए सुनते हैं 22 फरवरी 2024 की सत वाणी। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा, क्योंकि देह अभिमान हमने समझ लिया, हमारा पक्का संस्कार बन गया, नेचुरल हो गया, जैसे मेहनत नहीं है खुद को देह समझने में। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अब अभ्यास करना होगा कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तब हम अपने शरीर से जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं शरीर में रहते हुए। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया, दीवारों पर कितने गोले बनाए, कितनी डायरियां भरी, एक एक का नाम लेके लिखा, यशोदा आत्मा, निर्मल शांता आत्मा, नारायण आत्मा,
है ना। इस तरह से बाबा ने एक एक का नाम लेके लिखा कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो बाबा कहते हैं अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिकल में हमें अनुभव करना है, पुरुषार्थ करना है, थोड़ी मेहनत है, तब ममत्व निकलेगा और हम इस शरीर से जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं। मर्जीवा जन्म, कर्मातीत अवस्था। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस समय हमारे लिए सबसे ऊंची मंजिल है कि हम खुद को आत्मा समझें, सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें, सबसे ममत्व हमारा टूट जाए और एक बाबा से जुड़ जाए, ये है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से माना देह से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। जिनको ऊंची मंजिल पर जाना है उनका ध्यान शरीर की तरफ नहीं होगा, सिर्फ आत्मा, आत्म उन्नति, मैं भी आत्मा और अन्य भी आत्मा। अब हमें चेक करना है क्या हमारी ऐसी अवस्था है, तो हमें पता लग जाएगा हम ऊंची मंजिल की तरफ हैं या नहीं है, या कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पे हैं अभी हम, उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे, वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। भल बाबा शरीर यूज करते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन देह भान तो नहीं है ना, यह शरीर तो उनका तो नहीं है ना, शिव बाबा का तो शरीर नहीं है, किराए पर लिया है बाबा ने। तो तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो, ये सोचो कि ये कर्मेंद्रियां हमको काम करने के लिए मिली हैं, शरीर का भान निकाल दो, तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो, अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ, शरीर से उसके ममत्व से दूर है ना, न्यारे हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं ऐसे मैं भी शरीर में हूँ लेकिन न्यारा हूँ, इससे मरा हुआ हूँ। बाबा भी देखो कितना अभ्यास करते हैं और शिव बाबा तो विदेही है ही। तो मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है, तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है, माना बुद्धि से। मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है, चाहेंगे ना तो भी नहीं बैठ सकते हैं। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है, जैसे मैं अशरीरी हूँ तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है, जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है, पुरानी जुक्ति को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है तुम भी इस पुरानी जुक्ति से ममत्व निकालो। हाँ कैसा शरीर है देखो, कितना दुख देता है ना, कितनी कर्म भोगना है, शारीरिक बीमारियां हैं, चिकित्सी लगा हुआ शरीर है, पतित है, पुरानी जुक्ति है, तो छोड़ना है इसको, तो ममत्व निकलना चाहिए। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। बाबा तो बस यूज करते हैं और फिर
चले जाते हैं तो तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब यह प्रैक्टिस करो, शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो, शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इससे ममत्व निकालना पड़े। देखा है ना वेंटिलेटर पे आत्मा कितने कितने दिन हो जाते हैं, तड़पती रहते हैं लेकिन शरीर छोड़ती नहीं है। आत्मा को सबसे ज्यादा मोह किससे है, अपने शरीर से। तो आसानी से यदि शरीर छोड़ना है, तकलीफ नहीं हो अंत में, तो फिर ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले वही संत है। तो अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है, तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ। बाबा तो कुछ समय के लिए आते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, स्वभाव संस्कार हो। देखो मोह के वश तो है ही, बस उनको देखने बगैर रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। चेक करो, क्या हम सबके बिना रह सकते हैं, या किसी एक में मोह अटका हुआ है कि वो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना मन नहीं लगता। कोई भी संबंध हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है, जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने लिए। देखो पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं हमें पावन बनाने के लिए। आवाज से परे हैं बाबा, लेकिन आवाज में आते हैं हमें समझाने के लिए, शरीर में आते हैं हमें समझाने के लिए। तो तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना, किसी के नाम रूप विशेषता गुण में अटक जाते हैं, बुद्धि जाती है। बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है, शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। बाबा कहते हैं ना शरीर देखा माना सर्प, आत्मा देखना है तो नागमणि मणि देखना है, मस्तक मणि देखो, शरीर देखा तो फंस जाएंगे। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसे रहेंगे, कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी, जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। देह से प्यार किया, दैहिक प्यार है तो हार है, माया से हार जाएंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, यह भी आत्मा हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा, बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो, विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। जितना घूटेंगे उतना नशा चढ़ेगा है,
जितना पढ़ेंगे समझेंगे उतना उमंग उत्साह होगा। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है। जरूर मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार, आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से कौन सामने आता है? हे प्रभु कहा तो बाबा कहते शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। देखो निराकार को तो हर धर्म वाले मानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन निराकार को मानते सब हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो, अभ्यास करना होगा। देह का भान छोड़ो, सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, आकर्षण होता है उसमें, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं, जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। पवित्रता की ताकत होगी तो धारणाएं होंगी, और जहाँ धारणा मूर्त है वहाँ तो सेवा होगी, आकर्षण होगा ही, तो उतने ज़्यादा फॉलोअर्स बनेंगे। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। एवर प्योर है और गुप्त है, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। ब्रह्मा बाबा की ताकत नहीं है, ताकत किसकी है? शिव बाबा की। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तभी अनुभव किया ना कि इनमें कोई शक्ति है, कोई तो रूहानी शक्ति है, कोई परमात्मा शक्ति है जो इनमें आके बोल रही है। नहीं तो देहधारी में कैसा आकर्षण, बहुत सारे गुरु थे लेकिन कुछ अलग दिखा, कुछ खिंचाव हुआ, आकर्षण हुआ, साक्षात्कार हुआ, तब तो धीरे धीरे सबका निश्चय बैठा ना, फिर सबको अपने अपने अनुभव हुए। तो बाबा कहते हैं कि शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच न सके। ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे ना, दादा लेखराज जी, उनमें तो आकर्षण नहीं था, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो देखो ब्रह्मा नामकरण हुआ, पहचान बदल गई, कितना आकर्षण। तो बाबा कहते हैं कि यह तो तुमको खींच न सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। विष्णु हाँ, जिसमें विष का भी अणु न हो, अणु मात्र भी विष न हो। तो बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, एक तो पुरुषार्थी हो गए और एक प्रारब्ध हो गई। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं कि हम सबको समझा सकते हैं। अब तो बाप कहते हैं
बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चलेंगे, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। जाना खुद को है, लेकिन ट्रांसफर बैग बैगेज पहले ही कर सकते हैं, सब कुछ सफल अभी कर सकते हैं और फिर बाद में पदम गुना होकर मिलेगा। तो साथ में जब हम सोचें हम जाएं तब साथ में लेके जाएं, वो नहीं हो सकता, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तो जीते जी जब तक इस शरीर में है, पुरानी दुनिया से मर जाना है, अपना सब कुछ सफल कर लेना है, नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है, इंश्योर कर लो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, जितना पहले किया उतने ही करेंगे, न कम न ज्यादा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती, फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने ये किया मैंने वो किया, हाँ किया या खुद का सफल किया, खुद का भाग्य बनाया। तो बाबा कहते हैं जो कुछ करते हैं उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, हम आत्मा या शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, तो चाहे छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, जाएंगे तो सब, राम का छोटा परिवार रावण का बड़ा परिवार, लेकिन जाना सबको है। तो रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो, यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे, तो देखो सूरज चांद और हम बच्चे सितारे, तो माँ बाप और तुम बच्चे, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मरजीवा बनने की कोशिश करो, पुरानी दुनिया से मर जाओ, बाबा के साथ जियो तो वाह वाह है, तो मरजीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है, कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, यह नहीं समझते हैं कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है, अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है, किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं, है ना, किस हद तक देखो चले जाते हैं, माया एकदम बेसमझ बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना, नाम रूप में फंस जाते हैं तो जान दे भी देते हैं, जान ले भी लेते हैं, तो फंसना ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है, कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है, अरे मीठा तो ज्ञान है, मुरली पढ़ने वाले का क्या है, मुरली ही इतनी मीठी है, इतनी अच्छी है, इतनी गहरी है, गुह्य है, तो मीठा ज्ञान है ना, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है, शरीर पर जो आशिक हुए बर्बाद हो जाएंगे, बाबा कहते हैं मीठा ज्ञान है, आत्मा मीठी है, मीठी मीठी मुरली सुनना है, मनन चिंतन करना है, धारणा स्वरूप बनना है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते हैं, उस समय आनंदमयी माँ थी ना,
उनको भी मामा कहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मी जी के पास तिजोरी की चाबी है, लेकिन उस तिजोरी में माल कौन भरता है? नारायण भरते हैं ना, तो वर्षा तो बाप से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। खुद को आत्मा नहीं समझा तो फिर फरमान नहीं माना ना बाबा का। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ सो जरूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो, एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो, तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। आज पूरी मुरली में बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा, और सिर्फ मुझे ही याद करो। देहधारियों से ममत्व हटाओ, पुरानी दुनिया से ममत्व हटाओ, हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? मूंज पड़ते हैं बिंदी को कैसे याद करें? तो बाबा कहते हैं ना बाबा के कर्तव्य महिमा ही याद करो। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप ही है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। सब बातों को बिंदी लगा दो तो बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, ब्रह्मा बेहद की माँ देहधारी है ना, तो तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। पूरी मुरली में आज बाबा ने आत्मा का परमात्मा का पाठ पक्का कराया। मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। दूसरा, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। बाप दादा समझाते हैं कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो, कर्म और योग साथ साथ हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। मैं कर रही हूँ लेकिन करवा कौन रहा है? बाबा। तो सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग, तो कर्म और योग साथ साथ, मैं आत्मा और परमात्मा साथ साथ।
तो बाबा कहते हैं यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। कौन सा शब्द? करण करावन हार। तो बाबा कहते हैं इससे बैलेंस रखना बहुत सहज हो जाएगा और जहाँ बैलेंस हुआ तो वहाँ पे फिर ब्लेसिंग मिलेगी। जब करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ सब कुछ, मैं, तो फिर वहाँ पे माया आ जाती है। देखो जो मैं करता है क्या होता है, बलि का बकरा, तो फिर माया वार करती है। इसलिए बाबा ने कहा खुद को करणहार समझो, कराने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा से ब्लेसिंग मिलेगी। और एक मुरली में बाबा ने कहा ना डबल करावन हार याद रखो कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो फिर बाबा भी करावन हार और जब खुद है तो उसमें मैं करावन हार, कर्मेंद्रियां करण हार। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। बाबा को अपनी नजरों में समाएंगे तो औरों को हम अपनी नजर से निहाल कर सकते हैं और खुद को नजर से निहाल होना है तो क्या करना है? बाबा की नजरों में समा जाओ। तो मुरली रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले वही संत है। दूसरा, आज बाबा ने कहा अभ्यास करो, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की तब पहला पाठ पक्का हुआ। और तीसरा, जीते जी मरना है, ममत्व निकल जाए, बुद्धि योग एक बाबा के साथ। और चौथा, कर्मयोगी बनना है, बाबा करावनहार है तब मिलती है ब्लेसिंग। और पांचवा, बाबा को अपनी नजरों में समा लेना है, बाबा की नजरों में समा जाना है, नजर से निहाल होना भी है और औरों को करना भी है। ओम शांति।